तो कैसे हो सबके सब? आज हम लोग देखने वाले भाई माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर कुछ ऐसा ग्लिचेस जिसके अंदर होगा भाई कुछ काम का ग्लिच, जैसे एक्सरे ग्लिच होगा और डुप्लीकेशन ग्लिच होगा, और कुछ फनी ग्लिचेस भी होगा जिसको देखने के बाद तुम भी कहोगे भाई ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और ये सबके सब ग्लिचेस भाई माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर काम करने वाला है, मतलब मोबाइल वाला जो वर्जन होता है उसमें काम करेगा, और अगर पीसी में है तो फिर बेडरॉक में काम करेगा। तो चलो भाई आज का वीडियो शुरू करते। तो चलो भाई पहले हम लोग जो ग्लिच देखने वाले वो है भाई एक्सरे ग्लिच, मतलब जमीन के नीचे भी दिखेगा अपने को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले अपने को चाहिए होगा नाइट विजन के पोशन, ठीक है, और इसी के साथ अपने को चाहिए होगा एक पिस्टन स्टिकी वाला, एंड चाहिए होगा एक लीवर और एक कोई सा भी ब्लॉक, ठीक है। हो गया तैयारी भाई, अभी सर्वाइवल में चलते। और हम लोगों ने ये स्पाई ग्लासेस भी ले लिया है ताकि दूर का चीज से दिख जाए भाई। तो पहले क्या करना है, बहुत ज्यादा सिंपल है भाई, गड्ढा खोदना है। अच्छा और एक चीज चाहिए होगा, स्लब चाहिए होगा मेरे को, तो कोई सा भी एक स्लब उठा लेना है अपने को। तो पहले क्या करना है, पहले भाई दो ब्लॉक ऐसे गड्ढा खोद लेना है। अबे नीचे पानी निकल गया, बताओ किस्मत ही खराब है अपना तो। ओके तो पहले क्या करना है, पहले भाई दो ब्लॉक ऐसे गड्ढा खोद लेना है। हो गया गड्ढा भाई, अभी सामने वाला दो ब्लॉक निकाल लेना है। ये लो निकल गया भाई, अभी इसके नीचे लगा देना है अपने को स्लब, और इस साइड को जाएगा अपना पिस्टन, ठीक है। पिस्टन के ऊपर लीवर लगा देना है और उसके आगे डट। हो गया काम खत्म भाई, इसके नीचे आ जाना है और फिर ऐसे लीवर फ्लिक कर देना है। हो गया भाई, ग्लिच तैयार है। अच्छा अभी तुम लोग कहोगे दिक्कत रहा है, तो अपने को बैठ जाना है। ये देख लो भाई, वो पूरी तरीके से अंदर की चीजें दिख रहा है भाई, ऐसे डायमंड वगैरह सब कुछ ढूंढ सकते हैं हम लोग। नीचे जाके करेंगे ना तो डायमंड वगैरह भी दिख जाएगा, और अगर पूरा क्लियर अगर दिखना है तो फिर एक नाइट विजन पोशन पूरा का पूरा क्लियर दिखेगा भाई। ये देख लो, इधर कोल दिख रहा है, इधर आयरन दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे जाके अगर करेंगे ना तो डायमंड वगैरह भी दिखने लगेगा भाई। तो काफी ज्यादा मजेदार ये भाई ग्लिच है, और आसानी से हम लोग कर सकते हैं, और भाई क्या ही काम में आ सकता है ये भाई। तो ये था अपना एक्सरे ग्लिच जो कि काफी ज्यादा तगड़ा है भाई। भाई ये वाले एक्सरे ग्लिच के लिए एक लाइक तो बनता है भाई, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो अपना जो नेक्स्ट वाला ग्लिच है ना भाई, ये है भाई हवा में लटका माइन कार। ये देख लो भाई, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो भाई, ये वाला जो माइन कार है ये पूरी तरीके से हवा में है। ये देख लो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है और ऊपर भी कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से हवा में है भाई। तो ये वाला ग्लिच करके भाई दोस्त वगैरह से मजे ले सकते हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है और काफी ज्यादा ओपी है। अपने को थोड़ा सा ऊपर जाके एक ब्लॉक लगाना है और एक पिस्टन लगा देना है, और साइड में एक लीवर लगा देना है। अभी ऊपर एक रेल लगा के उसके ऊपर माइन कार लगा देना है, और थोड़ा सा खिसका देना है माइन कार को, एंड रेल तोड़ देना है। एक काम करते हैं, इसके अंदर एक विलेजर बैठा देते हैं। तो एक विलेजर बैठ जा भाई, ये विलेजर बैठ गया। अभी क्या करना है, बहुत सिंपल है, लीवर को फ्लिक करना है। एक दो बार फ्लिक करते ही ये देख लो विलेजर गया नीचे, और विलेजर बिल्कुल हवा में है भाई। थैंक्स, Love you. ओ भाई, इसके साथ हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। और सबसे मस्त बात पता है क्या है, अगर हम लोग इसके ऊपर लावा डाल देंगे, ये लो ये डाल दिया हम लोगों ने लावा, तो विलेजर जो है उसको कुछ नहीं होगा, सिंपली विलेजर जिंदा होगा भाई। देख सकते हो पूरी तरीके से लावा के अंदर है विलेजर, लेकिन उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं मिल रहा है, 1% भी डैमेज नहीं मिल रहा है। ओ भाई साहब, भाई अगर किसी को ये वाला चीज दिखा दो ना भाई, वो बंदा सदमे में चला जाएगा कि विलेजर कैसे लावा के अंदर है, और इसको ऊपर कैसे लाना है। बहुत सिंपल है, बस फिर से लीवर फ्लिक करना है, एंड विलेजर बूम। ओहो एनिमेशन भाई, क्या मस्त एनिमेशन था। ये देख लो विलेजर नीचे गया और फिर से फ्लिक। ओ भाई भाई, सोचो एक बार अगर ये वाले ट्रिक का इस्तेमाल करके हम लोग कोई ट्रेडिंग हॉल बनाएंगे, तो नॉर्मल ऐसा है और जैसे लीवर फ्लिक करेंगे ये विलेजर आ गया। वाओ भाई, क्या कूल लगेगा ये भाई। ये वाला ग्लिच बहुत ज्यादा मस्त था। अभी हम लोग नेक्स्ट ग्लिच के ऊपर बात करते हैं। ये जो ग्लिच है ना, ये डोरबेल का काम कर सकता है। मतलब मान के चलो, अगर माइनक्राफ्ट के अंदर तुमको एक घर बनाना है और उसके अंदर तुम्हें एक डोरबेल का डिजाइन चाहिए जो काफी ज्यादा लाउड हो, सबको सुनाई दे, तो उसके लिए ये वाला ग्लिच सबसे ज्यादा मस्त है भाई। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्या करना है भाई, एक ब्लॉक इधर लगाना है और उसके बाजू में एक ब्लॉक लगाना है, फिर साइड में दो ब्लॉक लगा देना है। अभी क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है एक बोट, एंड देन भाई ये बोट थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको सीधे कर देते हैं। अभी क्या करना है, नीचे वाला ब्लॉक ऐसे तोड़ देना है और फिर इसके ऊपर एक ब्लॉक लगा दो, एंड दो ब्लॉक लगा देते हैं। और तू कहां से आ गया बे, बिन बुलाए मेहमान, किधर से टपक गया ये। अभी क्या करना है, बहुत सिंपल, ऊपर से एक एनविल छोड़ दो, एंड ले भाई। वाह क्या सीन है।
अपना जो डोरबेल है बिल्कुल तैयार है भाई। देखो इसको प्रैक्टिकली कैसे कर रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा डोरबेल बन सकता है ये, और हम लोग इसके ऊपर जितने चाहे एनविल लगा सकते हैं। अपने को बस ब्लॉक लगाते जाना है एंड देन एनविल छोड़ते जाना है बस। और सोच लो भाई कितना भयंकर साउंड होगा ये यार, डोरबेल का पता नहीं लेकिन कानों के लिए बहुत दर्दनाक साबित हो सकता है। भाई बंद करो भाई, बंद करो भाई, रुक जा भाई, रुक जा मेरे दोस्त। ओ भाई, तो अपना जो नेक्स्ट मिथ है भैया वो है भाई डुप्लीकेशन ग्लिच। काफी ज्यादा पॉपुलर है भाई ये डुप्लीकेशन ग्लिच, और पॉकेट एडिटर में बहुत यूज होता है। तो ये वाला ग्लिच करने के लिए भाई अपने को चाहिए होगा एक चेस्ट और 8 डर्ट ब्लॉक, उसी के साथ कुछ जरूरी सामान जो अपने को डुप्लीकेट करना है। ठीक है, सिंपल फंडा है भाई। क्या करना है, पहले एक चेस्ट लगाना है एंड देन भाई 8 डर्ट ब्लॉक कुछ इस तरीके से लगा देना है। हो गया भाई, अभी गेम को 7 क्विट कर देना है और फिर से गेम में आ जाना है। गेम में आते ही भाई अपना जरूरी सामान भाई चेस्ट के अंदर फटाफट भर देना है, थोड़ा सा साइड में आ जाना है और 8 के 8 डर्ट ब्लॉक अपने को तोड़ देना है भाई। उसके बाद चेस्ट को भी तोड़ देना है एंड चेस्ट टूटते ही भाई गेम को फोर्सफुली क्विट कर देना है, मतलब बिल्कुल हटा देना है भाई। फिर से जैसे ही हम लोग गेम में एंटर करेंगे ना भाई, ये देख लो अपना सारा का सारा सामान जो है वो बाहर पड़ा है। तो फिर चेस्ट के अंदर क्या है, चेस्ट के अंदर भी सामान है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सारा का सारा सामान जो है वो डुप्लीकेट हो चुका है। तो ये काफी ज्यादा मस्त ग्लिच है भाई, जिसके मदद से हम लोग अनलिमिटेड टाइम तक सामान को डुप्लीकेट कर सकते हैं। और ये वाले ग्लिच को काम में लगा के हम लोग एक्सपी भी कलेक्ट कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम तक। सिंपल है भाई, सिंपल है भाई। एक एन्चांटेड टूल को भाई डुप्लीकेट कर लो और जो भाई एक्स्ट्रा वाला टूल मिलेगा उससे एक्सपीरियंस पॉइंट निकाल लो। ये देख लो, मिल गया एक्सपीरियंस पॉइंट। तो ऐसे हम लोग एक्सपीरियंस पॉइंट भी पा सकते हैं भाई। तो चलो मेरा दोस्त, ये था कुछ बेहतरीन ग्लीचेस जो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर 100% काम करता है। तो एंजॉय करो भाई, सारा का सारा ग्लीचेस को यूज कर लो जब तक ये फिक्स ना हो जाए। तो बस भाई, आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। मैं मिलता हूं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।